पुलिस का 48 घंटे वाला आश्वासन का समय भी हुआ समाप्त। अब कल से कराहल बाजार रहेगा बंद। नगरवासी थाने के सामने बैठकर देंगे धरना। खबर श्योपुर के कराहल क्षेत्र से है, जहां जड़ी बूटी व्यापारी अनिल ओझा को श्योपुर शहर से लापता हुए 9 दिन बीत गए, मगर पुलिस अभी तक अनिल का कोई पता लगाने में नाकामयाब साबित हुई। अनिल के परिजन और नगरवासी एक एक दिन कराहल पुलिस थाने, कभी कोतवाली पुलिस तो कभी पुलिस कप्तान के दफ्तर पहुंचकर मिन्नत करते रहे कि हमारे अनिल का कैसे भी पता लगा, मगर हर बार सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता रहा और धीरे धीरे समय निकलता गया। अब गुस्सा परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हुए पुलिस प्रशासन के विरोध में सभी नगरवासियों की सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन तक कराहल बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें नगरवासी कराहल थाने के सामने बैठकर देंगे धरना। इस आंदोलन के संबंध में परिजनों ने कराहल SDM और SDOP को एक ज्ञापन सौंप दिया है। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम जो है यहाँ थाने में धरना प्रदर्शन में बाजार बंद करने के लिए आए, कराहल बाजार बंद करने के लिए हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सहयोग करें और जो है आगे जो है ताकि हम जो है हमारे भाई को जो है कि जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन बाजार बंद करने के लिए यहाँ पे सूचना दी है, आप सभी लोग उसमें समर्थन करें, सहयोग करें। बाजार बंद के साथ जो है धरना प्रदर्शन रहेगा और जब तक इस मामले में निष्कर्ष नहीं आ जाएगा हम जो है यहाँ पर बैठे रहेंगे।